Hello everyone, welcome back to the Medicos IQ. Today, in this session, I'm going to discuss with you a very, very important drug for injury. The name of this drug is Calendula officinalis. ये होम्योपैथी का बहुत ही बेहतरीन एंटीसेप्टिक और इंजरी रेमेडी है, जिसमें कि आपको एकदम बहुत ही वाइड रेंज का इंजरी देखने को मिलेगा. बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होता है इसका, जिसको कि हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं. और ना आप कहते हैं कि फर्स्ट एड में हमेशा कोई ना कोई चीज़ चाहिए. कोई भी आपके पास अगर इंजरी आया तो फर्स्ट एड मतलब तुरंत आप उसका हेल्प कर सकते हैं. तो ऐसे फर्स्ट एड के लिए हमारे पास ये बहुत ही अच्छा ड्रग होता है. इसका कॉमन नेम होता है मेरीगोल्ड एंड इट्स अ ग्रेट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक. इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल द केसेस ऑफ इंजरीज वेयर द स्किन इज ब्रॉकन. कहीं भी स्किन कट गया हो या फिर टूट गया हो किसी तरह के उन से लेसरेशन से, देन आप वहाँ पे कैलेंडुला को यूज कर सकते हैं. इट प्रिवेंट्स द सुप्रेशन एंड ब्रिंग्स अबाउट द हीलिंग प्रॉम्प्टली. तो इसके खास चीज़ें हैं कि वहाँ पे पस नहीं बनने देगा और बहुत ही फास्ट में हीलिंग भी कर देगा. और हमेशा ये फर्स्ट इंटेंशंस ऑफ हीलिंग करता है, तो बहुत ही बेहतरीन आपको तुरंत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा. इट कैन ऑल्सो भी यूज एक्सटर्नली विद द वंडरफुल रिजल्ट. तो ऑब्वियसली कैलेंडुला मदर टिंचर को हम एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो बहुत ही अच्छा काम करता है. हम उन पे इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं एंड इंटरनली तो करते ही करते हैं. इट होल्ड्स फर्स्ट रैंक इन अवर होम्योपैथिक सर्जिकल एंड फर्स्ट एड बॉक्स फॉर सच इंजरी. तो इस टाइप के इंजरी के लिए तो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए मेडिसिन है ही. फर्स्ट एड के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा होता है. आइए, जो सबसे पहला इसका और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें कवर करना है वो है इंजरी. तो मेनली तो यही पार्ट इसमें होता ही है पूरे ड्रग में. तो किस तरह का इसका इंजरी होता है, दूसरा पार्ट जो इसमें पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा स्किन. बस स्किन के कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास चीज़ है वो है इसका इंजरी. तो देखते हैं इसको किस तरह के इंजरी में हम लोग यूज करते हैं. सो इट इज़ यूज फॉर द ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली फॉर क्लीन सर्जिकल कट और लेसरेटेड ओन. तो खास करके ऐसे कट, कहीं मान लीजिए जैसे ब्लेड से कट गया हो, एकदम क्लीन सर्जिकल कट, ठीक है, स्किन जो कि कट हो गया हो और पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे कंडीशन में आप कैलेंडुला को दीजिए, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा. एंड देन फॉर लेसरेटेड ओन, किसी भी तरह का लेसरेशन हो गया वहाँ भी आप कैलेंडुला अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. ट्रॉमेटिक अफेक्शन टू सिक्योर यूनियन बाय द फर्स्ट इंटेंशन. किसी भी तरह का ट्रॉमा हो गया हो, ठीक है, वहाँ पे अगर बोन हमारा फ्रैक्चर हो गया तो उसके यूनियन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कैलेंडुला को. एंड इट इज यूज फॉर ऑल द केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स एंड यूनियन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ एडहेसिव प्लास्टर. अगर कोई ऐसा उंड हो जिसमें कि एकदम सॉफ्ट पार्ट बिल्कुल लॉस हो गया हो, मतलब मसल्स वगैरह बिल्कुल खत्म हो गया हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर यूनियन नहीं हो रहा बोन का, खास करके प्लास्टर लगाने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ पे कैलेंडुला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एक्सटर्नल ओन्स विद और विदाउट लॉस ऑफ द सब्सटेंस. तो मतलब किसी भी तरह का ओन्ड हो, चाहे वहाँ से सब्सटेंस का लॉस हो गया हो या फिर माइनर ओन्ड हो, तो भी आप कैलेंडुला यूज करिए, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे. टॉर्न एंड जैग लुकिंग ओन्स. जैक लुकिंग ओन्स का क्या मतलब है, ओन्स विद द जिग जैक मार्जिन, ठीक है, रफ मार्जिन एंड अपियरेंस, इस तरह से एकदम पूरा ना हर तरफ एकदम रफ रफ दिखने को मिलता हो, इस तरह का अगर कोई ओंड आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप भी आप कैलेंडुला यूज कर सकते हैं. इट प्रिवेंट द एक्सेसिव सुपरेशन एंड प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड रैपिड हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन. तो ये हमने पहले भी बताया है कि ये पस बनने को रोकता है, बहुत ज़्यादा पस नहीं बनने देता, बहुत ही फास्ट हीलिंग करता है, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का बहुत जल्दी फॉर्मेशन कर देता है और ऑलवेज बाय द फर्स्ट इंटेंशन ये बहुत फास्ट हीलिंग करेगा. देन सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द हीलिंग फॉर पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन एंड टू डिसफिगरिंग द स्कार्स. तो कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी होने के बाद कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी कुछ कहीं स्कार्स बच जाते हैं या किसी भी तरह का ऊंट रह जाता है, तो उसके हीलिंग के लिए भी कैलेंडुला का यूज किया जाता है. देन इट इज ऑल्सो गिवन फॉर द ट्रॉमेटिक एंड द इडियोपैथिक न्यूरोमा. न्यूरोमा क्या होता है, न्यूरोमा एक तरह का बिनाइन ग्रोथ है विथ पेनफुल कंडीशन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली फाउंड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ टो. तो जनरली ये थर्ड एंड फोर्थ टो पैर की उंगली में पाया जाता है और ये बिनाइन ग्रोथ होता है जो कि पेनफुल कंडीशन होता है. तो ट्रॉमेटिक किसी भी ट्रॉमा से हो गया हो या फिर इडियोपैथिक. इडियोपैथिक का मतलब है कि जिसका कि हमें कॉज नहीं पता हो क्यों हुआ हो,
ठीक है, इस तरह का अगर आपको न्यूरोमा देखने को मिलता है देन आप वहाँ पे कैलेंडुला को यूज कर सकते हो, और इस तरह का सिम्टम्स आपका लियम्सिपा में भी देखने को मिलता है। देन न्यूराइटिस फ्रॉम द लेसरेटेड वुंड, कहीं किसी भी तरह का लेसरेशन हुआ और उसके कारण न्यूराइटिस मतलब नर्व का इन्फ्लामेशन हो गया हो, नर्व अफेक्शन हो गया हो, तो आप वहाँ पे इन्फ्लामेशन कैलेंडुला यूज कर सकते हैं। और इस तरह के नर्व अफेक्शन के लिए ना एक और भी बेहतरीन रेमेडी होता है, वो होता है हाइपेरिकम। ठीक है, देन व्हेन द पेशेंट इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड एंड द एक्सेसिव पेन, खास करके जब अगर कोई भी बंदा मतलब किसी भी तरह का लेसरेशन हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो, और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा पेन हो, और उससे एकदम पूरा एग्जॉस्ट हो गया हो, एकदम बेचैन होकर पूरा एकदम सो गया, अब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो, तो उस केस में आप कैलेंडुला को दे सकते हैं। देन रैप्चर ऑफ द मसल्स ऑफ टेंडन, किसी भी तरह के ट्रॉमा से अगर मसल्स रैप्चर हो गया हो, टेंडन रैप्चर हो गया हो, ठीक है, देन वहाँ पे आप कैलेंडुला यूज़ कर सकते हैं। लेसरेशन ड्यूरिंग द लेबर, तो कभी कभी अगर लेबर ऑपरेटिव लेबर होता है वहाँ पे अगर किसी भी तरह का लेसरेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना मायोमेट्रियम में, तो अगर वहाँ पे भी लेसरेशन हो जाता है तो उस केस में भी आप कैलेंडुला को उस लेसरेशन को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। उन पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशन विद द लॉस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, अगर किसी ज्वाइंट पे मान लीजिए किसी भी तरह का उंड हो गया हो, और खास करके वो उंड एकदम ज्वाइंट पे पहुंच गया हो, वहाँ पे बिल्कुल एकदम साइनोवियल फ्लूइड नहीं हो, तो इस तरह के भी उंड में आप दे सकते हैं कैलेंडुला को। उंड्स विद द सडन पेन ड्यूरिंग द फेब्राइल हीट, और कोई भी घाव इस तरह का उंड हो जहाँ की हल्का सा एकदम फीवर के हीट, फेब्राइल हीट का मतलब क्या है कि खास करके फीवर के टाइम में सडन पेन होना शुरू हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आप कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम इंजरी और किस तरह के इंजरी, किस तरह के सिचुएशन में हम कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ इंजरी देखने को इसमें मिला। देन आइए जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो क्या है, वो होता है इसका स्किन। स्किन में अल्सर के लिए, अल्सर भी एक तरह का तो ओंड ही है ना, जहाँ की ब्रेकिंग ऑफ द स्किन होता है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूशन ऑफ द स्किन, तो ये भी एक तरह का क्या है, ओंड टाइप का ही है, तो ऐसे केस में भी हम यूज करते हैं। खास करके अल्सर कैसा होता है, इसका इरिटेबल, इन्फ्लेम, स्लफिंग एंड वेरी कोल्ड, पेनफुल एज इफ बीटन, इस तरह से होता है कि लगता है ना कुछ एकदम पीट पाट दिया हो, ठीक है, पीट दिया हो, तो इस तरह का अगर सेंसेशन होता है। हालांकि इस तरह के सेंसेशन के लिए अर्निका भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो बाकी आपको डिपेंड करता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आपका क्या आता है, देन आप कोई भी मेडिसिन इंडिकेट करें, ठीक है। तो इस तरह का अगर सेंसेशन होता है तो वहाँ भी आप कैलेंडुला को यूज कर सकते हैं। एंड देन यूज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द पस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि ये पस बनने नहीं देता है, तो आपको अगर पस बनने को रोकना है किसी मतलब उंड में, तो आप वहाँ पे कैलेंडुला का डेफिनेटली यूज करिए। देन पेशेंट्स हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू इरिसेप्लस, इरिसेप्लस क्या होता है, इट इज अ एक्यूट बैक्टीरियल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द लार्ज रेस्ड रेड पैचेज ऑन द स्किन, मतलब एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें कि स्किन पे एकदम लार्ज आपको रेज टाइप का रेड रेड पैचेज बन जाता है, तो इस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं इरिसेप्लस। तो बंदे में ये टेंडेंसी होता है कि एकदम इरिसेप्लस होने की टेंडेंसी अगर है, कोई बंदा अगर कंप्लेन करता है, तो आप वहाँ पे कैलेंडुला यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यूज फॉर द ओल्ड निगलेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन, ठीक है, तो कोई भी ओल्ड गैंग्रीन है, निगलेक्टेड बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया, या ऑफेंसिव बहुत ही ज़्यादा इस तरह का टेंडेंसी अगर है गैंग्रीन होने की, देन आप वहाँ पे भी कैलेंडुला का यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए सैलिसिलिक एसिड भी दी जाती है। तो कैलेंडुला में और कुछ पॉइंट्स हैं, एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंचर, अप्लाइड लोकली एंड मे बी एडमिनिस्टर इंटरनली एट द सेम टाइम। तो हमने बताया कि एक ऐसी मेडिसिन है जिसको कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से अप्लाई किया जाता है, और दोनों ही तरीके से आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये था कैलेंडुला का इंजरी एंड स्किन। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप हमें देखने को है, क्या क्या रिलेशनशिप है थोड़ा नजर डालते हैं हम लोग। तो कम्प्लीमेंट्री होता है हपर सल्फ का, सेलिसाइलिक एसिड का, एंड सिमिलर टू द हाइपेरिकम इन द इंजरी टू द पाथ रीच इन द सेंटिएंट नर्व, क्योंकि कहीं अगर नर्व इंजरी होता है तो वहाँ पे सबसे पहला जो दिमाग में आता है ड्रग वो होता है हाइपेरिकम, ठीक है। लेकिन कैलेंडुला भी आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या, आप वहाँ देख के फिर या तो कैलेंडुला या फिर हाइपेरिकम दिया जाता है। इस मामले में ये क्या होता है कि सिमिलर होता है हाइपेरिकम का, वेयर पेन इज एक्सेसिव एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू द इंजरी, बाकी किसी भी इंजरी से बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव पेन होता है तो आप वहाँ पे हाइपेरिकम को भी दे सकते हैं इस केस में। एंड ऑल्सो सिमिलर टू द अर्निका इन द ट्रॉमेटिज्म विदाउट द लेसरेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, तो मतलब अगर किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ तो कैलेंडुला की जगह आप अर्निका भी सोच सकते हो, हाँ, लेकिन विदाउट द लेसरेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, तो वहाँ पे किसी भी तरह का सॉफ्ट टिश्यू का लेसरेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या था, विद और विदाउट द लॉस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, तो ऐसे कंडीशन में आप कैलेंडुला को दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अदर ड्रग भी है इंजरी के लिए जो कि खास करके एलन किनोस के इस ड्रग में मेंशन है,
बाकी हम लोग जब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंजरी रिमेडी के लिए, तो वहाँ पे हम सारे ड्रग को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कुछ गिवन है तो उसको हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सिम्फाइटम एंड कैल्केरिया फॉस फॉर द नॉन यूनियन ऑफ बोन, अगर बोन कहीं फ्रैक्चर हो गया, यूनियन नहीं हो रहा, ज्वाइंट नहीं हो रहा बोन, ठीक है, इवन प्लास्टर लगाने के बाद भी, तो वहाँ पे आप सिम्फाइटम कैल्केरिया फॉस को भी दे सकते हैं कैलेंडुला की जगह पे। देन है सैलिसिलिक एसिड प्रिवेंट द एक्सेसिव सुपरेशन एंड फॉर द गैंग्रीन, तो चूंकि एक्सेसिव सुपरेशन को देने के बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए हम कैलेंडुला भी देते हैं, वहां पे आप सैलिसिलिक एसिड को भी दे सकते हो एंड गैंग्रीन का भी कंडीशन है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द पेनफुल गैंग्रेनियस ओन्स एंड सेड टू डिस्ट्रॉय द सेप्टिक जर्म्स, तो ये भी एक तरह का क्या एंटीसेप्टिक का काम किया, ठीक है, और एसिड भी है तो ऑब्वियसली एंटीसेप्टिक की तरह तो काम करेगा ही। एंड पेनफुल गैंग्रीनियस ओन, किसी भी तरह का अगर गैंग्रीनियस ओन मतलब गैंग्रीन होने की अगर टेंडेंसी है, तो वहां पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को भी सोच सकते हो। तो ये था हमारा कैलेंडुला और कैलेंडुला के सारे सिम्टम्स और उससे जो रिलेटेड ड्रग्स थे वो भी हमने डिस्कस कर दिया। तो आप एक बार एलन की नोट को खोलिए और अच्छे से पढ़िए, तो कैलेंडुला आपको अच्छा आसानी से पूरे एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आपके माइंड में भी आ जाएगा कि हम किस तरह के इंजरी में हम कैलेंडुला को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे डेली लाइफ में, छोटे मोटी इंजरी के लिए थोड़ा सा हो गया तो आप वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं काम एंटीबायोटिक लें, वहाँ पे आप लगा सकते हो कैलेंडुला, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से हमारे होम्योपैथी के लिए क्या होता है एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक है ना, तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो चलिए इस ड्रग में इतना ही। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए सो दैट कि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आपका ही सपोर्ट ना मेरा इंस्पायरेशन होगा। आप जितना सपोर्ट करोगे तो उससे हमें इंस्पायरेशन मिलेगी। अभी तक बहुत सारे वीडियो पे हमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपका ये सपोर्ट देख के, और यही मेरे लिए इंस्पायरेशन का काम करता है। इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें हम आपको दें यहाँ पे, सो दैट कि आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, क्योंकि उसके लिए हम मेहनत कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप बस इसी तरह आप अपना साथ देते रहिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और जहाँ कि आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, तो इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं नए ड्रग में। थैंक यू।